दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भगवान की लाठी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। ये इसका न्यू कवर है, ये भी न्यू कवर है, शायद कई बार छपी है कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं भगवान की लाठी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने दो पुत्रों सोमदत्त और विष्णुदत्त के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। खेती बाड़ी करते हुए उसके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन बूढ़ा किसान सख्त बीमार पड़ा। मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने कुछ अशर्फियां एकत्रित की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े लगे आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएगी, लेकिन मेरे बच्चों मुझसे वादा करो कि उन अशर्फियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत पड़े। हम वायदा करते हैं बापू, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अच्छा मेरे बच्चों, अलविदा। और बूढ़े किसान ने प्राण त्याग दिए। बापू, अशर्फियां मकान के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे, और खास जरूरत पड़ने पर ही निकालना। हाय हम अनाथ हो गए बापू, सब्र से काम लो बेटा। एक दिन तो सभी को इस नश्वर संसार को छोड़कर जाना है। बेचारा बहुत प्यार करता था अपने पिता से, लेकिन विष्णु दत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वह सर्पिया घूम रही थी जिन्हें उसका स्वर्गवासी पिता घर के पिछवाड़े गाड़ कर मरा था। आह, जिंदगी भर ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसमें तो उस कमबख्त सोमदत्त का भी हिस्सा है। कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे सारी सर्पिया मेरी हो जाए। वह रात उसकी करवटें बदलते ही बीती, लेकिन भोर होने से पहले ही। आह, सूझ गई तरकीब, अब देर करने से कोई फायदा नहीं। फिर वह चुपचाप उठा। सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और दिया और कुदाल लेकर मकान के पीछे खड़े आम के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और उस स्थान को खोदने लगा जहां सर्पिया दबी थी। ठक ठक, सिगरी टनाक, आहा निकल आया। जल्दी से उसने वह मटका गड्ढे से बाहर निकाला। इतनी ढेर सारी सर्पियां, अब जीवन में शायद ही कभी किसी चीज की कमी हो। अब जल्दी से इन्हें कहीं ठिकाने लगाऊं ताकि कोई चिंता न रहे। पिछवाड़े लगे एक दूसरे वृक्ष के निकट पहुंचकर इस वृक्ष की जड़ में यह सुरक्षित रहेगा। फिर उसने वहीं एक गड्ढा खोदकर उस मटके को दबा दिया और घर पहुंचकर आराम से अपने स्थान पर लेट गया। बस अब इस कमबख्त को किसी तरह घर से बाहर करना है, फिर मेरी ऐसी ऐस होगी। दूसरे दिन सुबह, बड़े भैया उठो बड़े भैया। सोमदत्त की तेज आवाज सुन विष्णुदत्त हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्यों, क्या हुआ? सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर दी? मैं तो तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। गजब हो गया बड़े भैया, पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से सर्पिया गायब है। लगता है कोई चोर हमारी सारी सर्पिया निकाल ले गया। क्या बकरा मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। दोनों पिछवाड़े पहुंचे। यह देखिए, हे मेरे प्रभु, अब क्या करे बड़े भैया? मेरे विचार से पहले मैं कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। मूर्ख समझ रहा चोर ले गए, यही मौका भी अभिनय शुरू करूं। और उसने बकायदा जोरदार अभिनय करना शुरू कर दिया। ठहरो सोमदत्त, रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं वह चोर कौन है जिसने यहां दबी सरपे निकाली है। आप जानते हैं उसे? कौन है वह कमीना भैया? मुझे बताइए, मैं भी उससे असरपिया लेकर आता हूं। तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। मैं ये आप क्या कह रहे भैया? चोर और मैं, बको मतमेर और तुम्हारे सिवाय असरपियों के बारे में कोई नहीं जानता था। स्पष्ट है कि तुम अकेले ही सारी असरपिया हड़प जाना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूं, असरपिया मैंने नहीं चुराई। तो क्या मैंने ली है? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है, किंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। या तो वह सरपिया लौटाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे हम अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं घर ही नहीं यह गांव भी छोड़कर चला जाता हूं। तो खड़े क्यों बेईमान, नीच कमीने, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और सोमदत्त दुखी हो तुरंत वहां से चल पड़ा। सच्चाई जाने बिना बड़े भाई को मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अब बदनाम होकर रहने से गांव छोड़कर चले जाना ही अच्छा है। वह कांटा कितनी आसानी से निकल गया। अब सारी सरफिया सिर्फ मेरी है। बड़े भैया ने सबके सामने मुझे चोर कहा,
कितनी दुख भरी बात है यह मेरे लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि किसी तीसरे को जिसने वह सरपिया चुराई है जमीन में गड़ी सरपियों के बारे में मालूम कैसे हुआ? कहीं पूरा धन हथियाने के लिए यह भैया की तो चाल नहीं? नहीं नहीं बड़े भैया ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उलझन में पड़ा सोमदत्त सोचते सोचते एक अनजानी दिशा में आगे बढ़ा चला जा रहा था कि तभी ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी हुई। अरे ये आवाजें कैसी? सोमदत्त ने नीचे झाँका। जरूर चोर हैं और शायद चोरी किए गए धन का बंटवारा कर रहे हैं। अचानक उसका पैर फिसला और अगले क्षण वह धड़ाम से उन चोरों के बीच जा आ गिरा। अरे बाप रे हाय! दूसरे पल भाग चलो रुकना मत, यह राजा का सिपाही मालूम पड़ता है, जानता हूं मुड़ कर भी नहीं देखूंगा। जब सोमदत्त संभला, अरे वे दोनों चोर कहां गोल हो गए, तभी उसकी दृष्टि जमीन पर बिखरे पड़े चोरों के धन पर पड़ी। अरे वाह स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन वे इतने ढेर सारे धन को छोड़कर भाग क्यों गए? वो अब समझा, जरूर मुझे अपने बीच गिरते देख वे डर गए होंगे। चलो अच्छा ही वाह, वे धन मेरे काम आएगा। लेकिन यह चोरी की स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें साथ ले चलना उचित नहीं होगा, यहीं गाड़ दूं, जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। और वह पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ा। मैंने धन साथ न लेकर अच्छा ही किया, वह धन ही तो था जिसने मुझे मेरे बड़े भाई से अलग कर दिया। इतना ढेर सारा धन मुझे पुनः किसी अन्य विपत्ति में फंसा सकता था। अभी वह कुछ ही दूर चला होगा कि खबरदार, जो कुछ भी है बाहर निकाल दो वरना जान से मार दिए जाओगे, वो लुटेरे मालूम पड़ते हैं। भाइयों मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा गरीब आदमी हूं, मेरे पास भला धन कहां से आएगा? झूठ बोल रहा है, तलाशी लो इसकी, जो आ गया सरदार। किंतु तलाशी लेने के पश्चात जब वास्तव में उन्हें सोमदत्त से कोई कीमती वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से भर उठा। ले चलो इसे अड्डे पर, देवी माँ इसकी बलि पाकर प्रसन्न होगी और हमें उसके वरदान से ढेर सारा धन मिलेगा। मारे गए, यह तो सोचा ही नहीं था। फिर सभी डाकू से लेकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु उनके अड्डे पर पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। 4000 स्वर्ण मुद्राएं? क्या? यदि तुम सच कह रहे हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ, रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा, कल मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ को चालाकी करने की कोशिश न करना, वरना अंजाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। निश्चिंत रहो, उस मुझसे तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा, तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे उससे भी ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। फिर तो सोमदत्त की खूब खातिरदारी हुई, वह क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांग लेना। जरूर जरूर। खाना खाने के बाद वह आराम से सो गया। खर, देख साला कितने मजे से खराटे भर रहा है, जैसे अपने ससुराल में हो। चिंता मत करो, कल यदि इस उल्लू की बात सही साबित नहीं हुई तो सरदार इसका सिर काटकर इसे हमेशा के लिए सुला देगा। अगले दिन वह देखो उस वृक्ष के नीचे ही वे स्वर्ण मुद्राएं दबी है। कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी खोदो इस जगह को और निकाल लो 4000 स्वर्ण मुद्राएं। कुछ दिन और आजादी की जिंदगी जी लो शैतानो, फिर तो बाकी की जिंदगी तुम्हें कारावास में सड़ सड़ कर गुजारनी है। तुरंत सरदार के आदेश का पालन हुआ। सिगरी, आह मिल गया वह 4000 स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली में भरकर वे अड्डे की ओर लौट चले। स्वर्ण मुद्राएं एक प्रकार से मेरे तो काम ही आई, लेकिन मैं जरूर इसके लिए जल्दी मौत का कारण बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सभी स्वर्ण मुद्राएं खत्म हो चुके, अब चलो कहीं चलकर लूटपाट करें, कोई फायदा नहीं होगा सरदार। क्या मतलब? मतलब यह कि गांव को लूटने की बजाय अगर हम राजा के खजाने को लूटे तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या बकरे हो, राजा के खजाने को लूटना तो दूर, हम उसके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, इस चक्कर में हम सब जेल की आवाज जरूर खाते दिखाई देंगे, मैं ऐसा सोचने की भी मूर्खता नहीं करूंगा। तुम तो अभी से घबरा गए सरदार, मेरी योजना तो तुमने सुनी ही नहीं। क्या है तुम्हारी योजना? अपना कान इधर लाओ। फिर सोमदत्त उसे अपनी योजना समझाने लगा। पूरी योजना सुनने के पश्चात सरदार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इस काम में खतरा तो है, किंतु अगर तुम्हारी योजना सफल होगी तो हम सबकी बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी।
मेरी योजना अवश्य सफल होगी सरदार, लेकिन अपना काम अंजाम देने के लिए मुझे आज रात ही राजमहल पहुंचना होगा। तब तुम अभी यहां से रवाना हो जाओ कुछ ही देर बाद। अच्छा मैं चलता हूँ सरदार, लेकिन ध्यान रखना 2 दिन बाद रात के दूसरे पहर तुम्हें महल के पिछवाड़े पहुंचना है। चिंता न करो सोमदत्त, जगीरा अपने दल बल के साथ ठीक समय पर तुम्हें वहां इंतजार करता हुआ मिलेगा। फिर सोमदत्त ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर सरपट दौड़ा दिया। सचमुच यह तो काफी काम का आदमी निकला। उधर राजमहल में, ओह जगीरा डाकू, जगीरा डाकू, मैं पूछता हूँ मंत्री जी, आखिर आज तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया, जबकि पूरा देश उस श्याम तक ही है। मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूँ महाराज, वह दुष्ट जल्द से जल्द आपको कारागार में नजर आएगा। यही सब सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। सुनिए हम आपको 7 दिन का समय और देते हैं। अब भी यदि जगीरा पकड़ा नहीं गया तो आपको पदच्युत कर दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जाइए और उसे पकड़ने की अपनी कार्यवाही को और तेज कीजिए। जो आ गया महाराज। परंतु इससे पहले कि महामंत्री वहां से प्रस्थान करता, द्वारपाल वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो महाराज, एक व्यक्ति डाकू जगीरा के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहता है। और उसे तुरंत यहाँ लाओ। जो आ गया महाराज। कुछ देर बाद वह सोमदत्त के साथ वहां पुनः हाजिर हुआ। महाराज को मेरा प्रणाम, मुझे सोमदत्त कहते हैं महाराज। ओह कितना सुंदर और बलिष्ठ है वह युवक, बिल्कुल राजकुमारों जैसा। कहो नौजवान, तुम जगीरा के संबंध में हमसे क्या बात करना चाहते हो? क्षमा करें महाराज, इस संबंध में मैं आपको एकांत में ही बता सकता हूँ। अरे दुष्ट, जानते नहीं कि राज्य के सभी सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो यही सबके सामने को। ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बातें करना चाहता है तो हम इसे एकांत में ही बात करेंगे। आप सब लोग जाइए, हम दरबार बर्खास्त करते हैं। जैसा आप उचित समझे महाराज। बेटी तुम भी जाकर अब आराम करो। जी पिताजी। सबके जाने के पश्चात, अब कहो नौजवान, क्या कहना चाहते हो तुम? जगीरा की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। तब सोमदत्त ने उन्हें सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज एक तरह से मैंने उसे अपने जाल में फांस लिया है। बस उसे व उसके साथियों को पकड़ने के लिए अब मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत खूब नौजवान, हम तुम्हारी चातुर्यता और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन भयानक दस्युओं को पकड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कहो हमें क्या करना होगा? परसों रात मेरी जगह आपको महल के पिछवाड़े में रहना होगा। वहां जगीरा अपने साथियों के साथ आएगा। आपको देखकर वह यही समझेगा कि मैं ही आपके रूप में, यानी आपके चेहरे का मुखौटा लगाकर यहाँ वहां खड़ा हूँ। भला वैसा क्यों समझने लगा? यह मेरी ही बनाई हुई योजना महाराज। मैं जगीरा को समझा कर आया हूँ कि आपको कब्जे में करने के पश्चात मैं उन्हें आपके भेष में महल के पिछवाड़े मिलूंगा। उसी ने मुझे आपके चेहरे का मुखौटा भी दिया है, यह देखिए। ओ तो यह बात है, आगे बताओ। तब सोमदत्त अपनी आगे की योजना समझाते हुए बोला, फिर आप उन्हें खजाने का लालच देकर उस कमरे में ले जाइएगा जहां पहले से आप द्वारा तैनात कुछ सैनिक उन्हें दबोचने के लिए तैयार हों। और बस बस आगे मैं सब समझ गया। वास्तव में तुम्हारा दिमाग दाद देने योग्य है। विश्वास रखो, यदि जगीरा अपने पूरे दल के साथ पकड़ा गया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया महाराज, इसमें इनाम पाने जैसी कोई बात नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे नहीं सोमदत्त, जब तक जगीरा और उसके साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते तुम यही हमारे मेहमान बनकर रहो। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें तुम जैसे नेक इंसान के लिए क्या करना चाहिए। और जैसे हुजूर की आज्ञा। 2 दिन पश्चात रात के दूसरे पहर जब जगीरा अपने साथियों के साथ महल के पिछवाड़े पहुंचा, वह देखो सरदार कोई मसाल लिए खड़ा है। वेशभूषा भी राजा जैसी ही है। मसाल का जलना और उसकी वेशभूषा जाहिर करती है कि वह सोमदत्त ही है। वह इसका मतलब है कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। बिल्कुल, मसाल जलाकर संकेत दो। अभी लो सरदार। सरदार के आदेश पर एक ने मसाल जला दी। जब राजा जय सिंह की दृष्टि उस जलती मसाल पर पड़ी, ओह वह जलती मसाल से संकेत दे रहा है, सोमदत्त के कहे अनुसार वह जगीरा और उसके साथी ही होने चाहिए, यानी वे वास्तव में खजाने को लूटने यहाँ पहुंचे हैं। बहुत खूब, मुझे भी अब जवाबी संकेत देना चाहिए ताकि सोमदत्त की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके। और राजा जय सिंह ने डाकू दल को जवाबी संकेत देना आरंभ कर दिया। जवाबी संकेत मिलते जगीरा सहित सभी डाकू जय सिंह के करीब पहुंच गए। सोमदत्त, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। क्या सब ठीक ठाक है? कहीं को गड़बड़ी तो नहीं हुई?
बिल्कुल भी नहीं सरदार, राजा अपने कमरे में बेहोश पड़ा है और खजाने तक के मार्ग में आने वाले सभी सैनिक भी इस समय मेरी सुंघाई दवा से बेहोशी की नींद सो रहे हैं। फिर भी यदि कोई खतरा पेश आया तो राजा का यह चेहरा हमारे काम आएगा, तो फिर जल्दी से हमें खजाने तक ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे चले आओ, हम उस गुप्त मार्ग से महल के भीतर प्रविष्ट करेंगे। और राजा जयसिंह ने उन्हें साथ लेकर महल के पिछवाड़े दीवार पर मौजूद एक गुप्त मार्ग को खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। बेवकूफ, समझ रहे हैं कि मैं सोमदत्त हूँ। हाहा, कुछ ही देर बाद आंखें खुल जाएंगी। विभिन्न गुप्त मार्गों से गुजरने के पश्चात राजा जयसिंह एक बंद कमरे के सामने जाकर रुका। क्या खजाना इसी कमरे के भीतर है? हाँ, मैंने पहले ही ताला खोल रखा है। भीतर जाओ और जल्दी से जल्दी जितना खजाना समेट सको समेट लो। मैं यहीं खड़ा निगरानी करता हूँ। ठीक है, चलो साथियों, अब मजा आएगा। जागीरा समेत सभी डाकू जैसे धड़धड़ाते हुए उस कमरे के भीतर प्रविष्ट हुए। अरे, कमरे में तो घटाटोपन दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जगह मशाल जलाओ। परंतु जगीरा के साथी द्वारा मशाल जला जाने से पूर्व हुए एक साथ कई मशाले वहां जल उठी और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उफ, धोखा भागो। बाप रे सैनिक, अरे सैनिक को गिरफ्तार कर लो सभी दुष्टों को। यदि कोई भागने की कोशिश करे तो मार डालो। खचाक, आह। तुरंत सारे सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े। खचाक, उफ, आह, हाय मरा। कुछ एक डाकू किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए। भी तो उन्हें बाहर खड़े जयसिंह और सोमदत्त ने आड़े हाथों ले लिया। भागकर कहां जाते हो शैतानों? पहले मुझसे तो दो दो हाथ करते जाओ। आह, उफ। और शीघ्र ही कुछ देर की मुठभेड़ के पश्चात बचे कुचे डाकुओं ने भी हथियार डाल दिए। उनमें स्वयं जागीरा भी था। ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। कल ही दरबार में इनका फैसला किया जाएगा। ले चलो। उफ, कितना बड़ा धोखा किया इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमारे साथ। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों व मंत्री गणों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी दस्युओं के लिए एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दस्युओं को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। आदेश मिलते सैनिक उन डाकुओं को मारते पीटते वहां से लेकर चल दिए। आह, दया महाराज, दया करें। उसके बाद राजा जयसिंह सोमदत्त से मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हारी बहादुरी से हम अति प्रसन्न हुए सोमदत्त। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्य भाग्य मेरे महाराज जो मुझे प्रजा व देश की सेवा करने का अवसर मिला। उधर विष्णुदत्त, बाप की गाड़ी मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। विष्णुदत्त, तुम आज भी फिर हार गए। ओ, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। चलो, वरना ये खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आएंगे। शीघ्र उसे उधार मांगने तक की नौबत आ गई। दिनू भाई, 200 रुपया और उधार दे दो। बहुत जल्दी मैं तुम्हें ब्याज समेत चुका दूंगा। एक जुआरी 200 रुपया क्या क्या करेगा यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई हराम करने के लिए हरगिज नहीं दे सकता। भागो यहां से, नहीं मुझ पर विश्वास करो। परंतु उसे विष्णु जैसे व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं आई और खटाक, आह, मैंने अपना सारा धन बुरे कामों में गवा दिया, अब क्या करूं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। इस गांव में तो सभी मुझसे और मेरी आदत से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः कोई खाने को तो दूर मजदूरी करने का काम भी देना पसंद नहीं करेगा। किसी दूसरे गांव अथवा शहर में जाकर ही कोशिश करनी होगी, वरना एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इस तरह चलता चलता वह उसी नगर में पहुंचा जहां का सेनापति उसका छोटा भाई सोमदत्त था। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? तुम तो चेहरे से कोई चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे तो माफ करो भाई और जाओ यहाँ से। उफ, लगता है यहाँ भी ईमानदारी का कोई काम मिलने वाला नहीं। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। अरे, अभी भी यहाँ खड़ा, चल भाग यहाँ से। यदि इसकी हथेली मेरे हाथ लग जाए तो तभी। अरे हाय, मैं लुट गया, पकड़ो चोर चोर। सारा माजरा समझकर सेठ के साथ था लोगों की भीड़ भी विष्णु दत्त का पीछा करने लगी। चोर, पकड़ो पकड़ो। भागते भागते विष्णु दत्त निकट के जंगल में प्रविष्ट हो एक पेड़ पर चढ़ गया। कम वक्त पता नहीं किधर छप छिप गया। इस घने जंगल में अब उसका ढूंढ पाना संभव नहीं। मेरे विचार से अब लौट चलना उचित होगा। हाय, कितना मूर्ख हूं मैं, उसे देखते ही क्यों न सावधान हुआ। शुक्र है जान बच गई, पकड़ा जाता तो ये शायद मार मार कर मेरा कचूमर ही निकाल देते।
और यह भी संयोग ही था कि इधर विष्णु दत्त ने जय सिंह के राज्य में पहुंचकर पहली वारदात की और उधर जय सिंह के पड़ोसी देश ने उसी दिन उस देश पर आक्रमण किया। सैबा सैनिकों बड़े चलो जी तुम्हारी होगी। महाराज एक बुरी खबर है, पड़ोसी देश से देश के राजा मान सिंह ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। कि क्यों? तभी सेनापति सोमदत्त भी वहां आ पहुंचा। यह सच है महाराज, अगर जल्दी इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब ने दिया गया तो। ओ सेनापति जी, आप तुरंत सेना लेकर उनका मुकाबला कीजिए, हम भी आपके पीछे आते हैं। सेवक के होते हुए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज, यह सेवक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करता हूँ। हम तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हुए सेनापति, जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आह कितना बहादुर है वह, प्रभु उस बहादुर की रक्षा करना और उसे इस युद्ध में जीत प्रदान करना। हमारी बेटी बड़े गौर से उसे जाते हुए देख रही है और शायद ईश्वर से उसके लिए कुछ प्रार्थना भी कर रही है। कहीं ओ युद्ध स्थल में सोमदत्त अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ा। उफ आई हाय मरा। सोमदत्त की तलवार बिजली की सी जिस तेजी के साथ दुश्मनों की गर्दनें गाजर मूली के समान काट रही थी, वह देखते ही बनता था। आह शीघ्र ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो और अपनी जान बचाओ, इनसे मुकाबला करना असंभव है। और जब विजयी सेनापति सोमदत्त महल पहुंचा, जिस तरह तुमने दुश्मनों को खदेड़ा है, हम उससे बहुत प्रसन्न हुए सेनापति सोमदत्त। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते फिर कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। इज्जत अफजाई का शुक्रिया महाराज, मेरे प्राण मेरे देश की अमानत है, जिसे मैं देश पर हर समय कुर्बान करने के लिए तत्पर रहूंगा। आह ईश्वर ने मेरी सुन ली। बहुत खूब सेनापति, हम तुम्हारे देशभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें इस जीत की खुशी में एक इनाम देना चाहते हैं, ऐसा इनाम जिसे पाकर तुम अवश्य प्रसन्न होंगे। दुश्मनों से देश को बचाना मेरा कर्तव्य था महाराज, फिर इनाम कैसा? तुम गलत समझे सोमदत्त, हम अपनी बेटी निशा की बात कर रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से भी विवाह करके हमें धन्य करोगे? सुनकर सोमदत्त बुरी तरह बौखला उठा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, राजकुमारी का मुझ अदने से व्यक्ति के साथ विवाह? एक सड़क पर पड़े पत्थर को आप अपने ताज में लगाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं सोमदत्त, लेकिन विश्वास करो, हमें अपनी बेटी को तुम जैसे बहादुर, नेक बुद्धिमान, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से भी विवाह करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। फिर निशा भी तुम्हें मन ही मन पसंद करती है। अब कहो तुम्हारा क्या जवाब है? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ महाराज, मुझे यह भी बात स्वीकार है। आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आया है। राजकुमार निशा जो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, प्रसन्नता से आत्म विभोर हो उठी। आह वे मान गए, उन जैसा वर पाकर मैं धन्य हुई। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा जय सिंह ने अपनी बेटी निशा का विवाह बड़े धूमधाम से सोमदत्त के साथ कर दिया। प्रजा भी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही, बेटे सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अतः चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो, ताकि हम अपने अंतिम समय से पहले तीर्थ भ्रमण करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन महाराज, मैं तो राजकार्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे सब जान जाओगे बेटे, तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ भी सीखने समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनकार मत करो बेटे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। और अगले दिन महाराज सोमदत्त की जय हो, रानी निशा जिंदाबाद, महाराज जय सिंह अमर रहे। दूसरे दिन राजा जय सिंह ने सोमदत्त, बेटी निशा और प्रजा से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जब विदा ली। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं राजकार्य को सुचारू रूप से चला सकूं और प्रजा के हितों की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकूं। मुझे भी अपनी पति की मान मर्यादा हमेशा बनाए रखने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों, उठो और मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करो। उसके बाद राजा जय सिंह तीर्थ यात्रा पर चले गए और सोमदत्त सुचारू रूप से राजपाट चलाने लगा। परंतु राजपाट संभालने के कुछ ही माह पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई, वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णु दत्त था और अब तक एक नामी और दुर्दांत चोर बन चुका था। दुआई हो महाराज, हमें विष्णु चोर से के जुल्मों से मुक्ति दिलाए। हाँ महाराज, यदि जल्द से जल्द उसे पकड़ा न गया तो एक दिन वह हमारे घरों तक को चोरी करके ले जाएगा।
विष्णु चोर ने हमारा सुख चैन रातों की नींद सब कुछ हराम कर रखा है। उसे जल्द से जल्द पकड़ने का कोई उपाय कीजिए महाराज, वरना हमारा जीना दुभर हो जाएगा। सुन रहे हैं आप महामंत्री जी, आपके रहते हुए विष्णु चोर हमारी प्रजा पर क्या क्या जुल्म कर रहा है। सचमुच बड़े श्रम की बात है यह हमारे लिए। मुझे स्वयं भी उसके अब तक न पकड़े जाने का दुख है महाराज, लेकिन हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते महामंत्री जी। चाहे जैसे भी हो उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, ताकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकें। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सैनिकों को उसे और तेजी से ढूंढने का आदेश देता हूँ, साथ ही स्वयं भी इस कार्य में जुटता हूँ। परंतु महामंत्री और उसके सैनिक काफी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में सफल नहीं हुए। वह तूफान की तरह किसी के घर में घुसता और चोरी करने के बाद आंधी के समान गायब हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह किसी के घर से चोरी करके बाहर निकला, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, अरे बाप रे देख लिया क्या, अरे बाप रे देख लिया गया, निकल भागू। तभी अरे यह तो विष्णु चोर ही मालूम पड़ता है, आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। विष्णु दत्त ने तेज दौड़ लगाकर भीड़ से तो किसी तरह पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वो वैकम्भक्त घुड़सवार तो अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। खैर एक बार जंगल में पहुंच जाऊं फिर वह भी मुझे नहीं खोज पाएगा। और शीघ्र ही विष्णु जंगल में प्रवेश हो महामंत्री की नजरों से ओझल हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं, ओफ इस बार भी वह हाथ से निकल गया और महामंत्री को निराश होकर वापस ही लौटना पड़ा। मंत्री के लौटते ही बड़ी मुश्किल से जान बची, वो शैतान घुड़सवार ने तो आज मुझे पकड़ ही लिया होता। खैर अब जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचू, फिर देखूंगा कि आज कितना माल हाथ लगा है। सिग्रीव एक मोटे से वृक्ष के तने में बने एक ऐसे खो में पहुंचा जिसे उसने छिपकर रहने के लिए काफी समय से स्थायी निवास बना रखा था। आप ठीक है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा निवास स्थान इस वृक्ष के तने में होगा। फिर निश्चिंत होकर उसने थैली जमीन पर उलट दी। आह इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, अब तो कुछ सप्ताह आराम से बीतेंगे और जान भी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस रात जब विष्णु खा पीकर सोया तो न जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। आखिर मैं कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार चोरियां करता रहूंगा, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। तब क्यों न कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही न पड़े और पूरी जिंदगी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन वह तरकीब, और सोचते सोचते वाह आ गई एक तरकीब। यदि एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर न कभी भूखों मरने की नौबत आएगी और न ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूं। और अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णु दत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई खतरा नहीं। दीवार पर चढ़कर आसानी से महल के भीतर पहुंचा जा सकता है। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी है ही मेरे पास। उधर संयोग से उसी रात विष्णु चोर के बारे में सोचते रहने के कारण सोमदत्त को नींद नहीं आई थी और वह उस समय महल के बुर्ज पर चहलकदमी कर रहा था। तभी वो कौन हो सकता है, वह और इतनी रात गए महल के पिछवाड़े क्या कर रहा है। जबकि विष्णु दत्त बुर्ज पर खड़े सोमदत्त के उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ छत पर रस्सी फेंक रहा था। चल मेरी प्यारी रस्सी रानी, जल्दी से महल की छत का कोई कोना पकड़ और मेरा काम आसान कर। शीघ्र ही रस्सी महल की छत में जा अटकी। अरे वह तो कोई चोर मालूम पड़ता है, महल के भीतर आने की फिराक में है। खटाक, उसे मजा चखाना ही होगा, जल्दी से चलकर सैनिकों को सावधान करूं। जबकि खतरे से बेखबर विष्णु उस समय रस्सी के सहारे तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। फिर जैसे वह छत से होकर महल के भीतर पहुंचा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इसे। अरे विष्णु दत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे दबोच लिया। आह आखिर फंस ही गया, कौन हो तुम सहसा। अरे यह तो सोमदत्त मालूम पड़ता है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है। तभी एक सैनिक उसे पहचान कर चीख उठा, महाराज यह तो विष्णु चोर है। क्या, वो तो यह यहाँ का राजा है। तब तक सोमदत्त भी विष्णु के चेहरे को गौर से देखने के कारण उसे पहचान चुका था। तुम विष्णु दत्त मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर, आ यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सोमदत्त मेरे भाई, आ कैसे समय में मुलाकात हुई तुमसे। और दोनों यथा दुख से जैसे गूंगे हो गए।
उनके वार्तालाप और एक दूसरे के संबोधन को सुनकर वहां मौजूद सैनिकों को सारा माजरा समझ से देर नहीं लगी थी। लेकिन जब उन्होंने सोमदत्त को काफी देर तक सोच में डूबे देखा तो उनमें से एक सैनिक हिचकिचाता हुआ बोल उठा, इसके लिए क्या देश है महाराज, कैसे छोड़ दिया जाए? क्या बकते हो, जानते नहीं कि एक नामी और दुदान चोर है जिसके कारण प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। ले जाओ और से बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह दरबार में हम इसके मुकदमे की सुनवाई करेंगे और आंसे पकड़े जाने का ढिंडोरा भी सुबह होने तक पूरे नगर में पिट जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। विष्णु को बंदी गृह में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछताने लगा। आह, मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की कितनी गहरी खाई में धकेल दिया। जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित कर घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी से राजा बन गया है, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान तक नहीं था। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। और अगले दिन दरबार में, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए हुए चोरी के समस्त इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि मैं भविष्य में चाहकर भी कभी चोरी न कर सकूं और अन्य चोरों को भी उस दंड से नसीहत मिले। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इसे, और जिन दोनों हाथों से आज तक चोरी करता रहा है उन्हें काटकर इसे देश की सीमा से बाहर धकेल दो। ओह, क्या? सोमदत्त का इंसाफ देख प्रजा व समस्त दरबारी गण उसकी जय जयकार कर उठे। महाराज अमर रहे, महाराज के इंसाफ का डंका हमेशा बजता रहे। यहाँ एक राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया। बड़े भैया, तो मुझे माफ कर देना। उधर सैनिकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया और विष्णुदत्त के दोनों हाथ काटकर वे उसे सीमा पर ले गए। अब कभी लौट कर इधर का रुख मत करना विष्णुदत्त, वरना तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी। जाओ। विष्णुदत्त बोझिल कदमों से एक तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी कुछ ही दूर चला होगा कि महाराज, आप काश आपके आपने हाथ काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। क्यों मुझे बिना हाथों के तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया? मैं आपके दुख को समझ रहा हूं भैया, लेकिन इस समय आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा ने तो एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूं भैया कि दोनों हाथ कटने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूं। इस थैली में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम की जिंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन इनकार मत कीजिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम वास्तव में महान हो सोम, ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अश्रुपूर्ण विदा ली। अलविदा भैया, अलविदा मेरे भाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। पता नहीं अब कभी जीवन में उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। हे ईश्वर, बड़े भैया को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखना। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।